check the mic and make sure it sound right, boys. हेलो दोस्तों, मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज मेरे पास बाइक है, मेरी खुद की रिवोल्ट आरवी 400। तो आज इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दूंगा, इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस फीचर्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बाइक मैंने कब ख़रीदी और कितने की मुझे ये पड़ी। तो मैंने बुक की थी जैन 29 को और मेरे को जो डिलीवरी मिली है इसकी मई 21 को, यानी कि अराउंड लाइक 3 महीने 20 दिन के आसपास मेरे को टाइम लग गया इसकी डिलीवरी में, ठीक है। और मेरे को ये पड़ी 1,47,000 की। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, बाइक की बात कर लेते हैं। तो बाइक की शुरुआत करते हैं इसके रिमोट से। सबसे पहले तो देखिए ये इसका रिमोट है, रिमोट में दी गई है 4 की। तो जो फर्स्ट इसका जो बटन है वो देखिए, ये लॉक बटन है, ये अनलॉक बटन है, ये है पावर बटन, इससे बाइक स्टार्ट हो सकती है, और ये है पार्किंग स्विच। और ये आपको एक मैनुअल की दी गई है, इससे बाइक स्टार्ट तो नहीं होती मगर आप इससे इसका जो बूट एक्सेस कर सकते हो, छोटा सा मतलब बहुत कम स्पेस है इसमें। दूसरा आप इससे हैंडल जो लॉक कर सकते हो, मैनुअली हैंडल लॉक होता है, रिमोट से नहीं होता, तो उसके ये काम आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं इसकी हेडलाइट से। तो हेडलाइट अभी देखिए मैं ऑन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका जो हेडलाइट है, हेलोजन बल्ब नहीं है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, 2 हेडलैम्प है जिसमें एक लो बीम एक हाई बीम, और ये दोनों तरफ देखिए आप DRLs दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह का लुक आपको किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलेगा, इंडिया में तो है ही नहीं, चाइना में आपको एक बाइक में देखने को मिलेगा, हालांकि उसी की कॉपी है, बट इंडिया में कोई इस तरह की बाइक नहीं है, अपने आप में यूनिक है। और इसके दोनों तरफ आप देखिए इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, मैं इंडिकेटर्स ऑन करके दिखा देता हूँ। LED इंडिकेटर्स हैं, ये देखिए लेफ्ट और ये देखिए राइट इंडिकेटर, ठीक है। तो बड़े ही शानदार इंडिकेटर्स है। मैं चाहूँगा अनुज भाई आप थोड़ा इस साइड आ जाइए। हाँ, इसके बाद इसके थोड़ा डिज़ाइन पे और लोगों पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिवोल्ट की बैजिंग दी गई है, 3D प्रिंट है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके ही ठीक नीचे रिवोल्ट का लोगो, पहले जो रिवोल्ट का लोगो आता था वो इस तरह से आता था कि वो नीचे गिर जाता था अलग हट करके, अब ये नहीं है। और देखिए RV 400 की बैजिंग सबसे नीचे दी गई है, और इसी के जस्ट बराबर में आप देखिए ये छोटा सा स्पेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पर इसका एक स्पीकर है जिसमें कि रेडीमेड साउंड दिया हुआ है स्पीकर में, और ये दोनों फुटरेस्ट ये आपके राइडर के लिए और ये पिलियन के लिए, ठीक है। इसके साथ अब बात करते हैं, अच्छा एक ये मोनोशॉक सस्पेंशन है, ये एडजस्टेबल है। और पहले जो पुरानी वाली जो रिवोल्ट थी RV 400 थी, उसमें जो सस्पेंशन था वो बहुत ही वाहियात क्वालिटी का था। जब जो भी पुराने लोग हैं जिन्होंने बाइक खरीदी हुई है उनकी काफ़ी सारी शिकायतें थी इसको लेकर के, तो कंपनी ने अपने कस्टमर्स की सुनी और इसको अपडेट किया, ठीक है। इसके साथ मैं दिखाया था इसका चार्जिंग सॉकेट, ये देखिए ये रबड़ से कवर किया हुआ है, ये कवर है इसका, इसको थोड़ा सा मुश्किल से हटता है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इसका सॉकेट है, यहाँ पर आपका चार्जर लगता है, ये इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, बंद करने में टाइम लगता है। अब आते हैं इसके टायर्स पे। देखिए ये जो इसका रियर टायर है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ये है इसका 120x80 17 इंच का टायर है, और काफ़ी मोटा टायर है, MRF जैपर का ये टायर है। और MRF की टैगिंग अगर किसी बाइक में लग जाती है, किसी टायर में लग जाती है, तो सपोज़ हम आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा टायर वो अपने आप में हो जाता है, और ग्राउंड से चिपक करके गाड़ी ये चलती है इस टायर की वजह से। और फ्रंट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रंट का टायर है, ये है 90x80 का 17 इंच का टायर है ये भी, और ये इतना मोटा नहीं है बट फिर भी अच्छा है, टायर काफ़ी बढ़िया है। और दोनों ही टायर में, आप फ्रंट की बात करें रियर की बात करें, दोनों ही टायर में डिस्क दिए गए हैं, और 215mm की डिस्क प्लेट है दोनों में ही, इसमें भी और रियर में भी। अब मैं दिखाऊंगा इसका, इधर आ जाइए अनुज भाई, देखिए ग्राउंड क्लियरेंस कितना अच्छा है, 185mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी बाइक में नहीं मिलता, क्योंकि आप लुक वाइज देखेंगे तो एक स्पोर्टी बाइक की लुक आपको देता है, और स्पोर्टी बाइक में इतना ग्राउंड क्लियरेंस मतलब नहीं बनता, कोई भी ऑफ रोडिंग बाइक में आपको इस तरह का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, बट इसमें मतलब और किसी स्पोर्ट बाइक में तो जाहिर है नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको मिलता है कहीं भी आप गड्ढे वाले रोड पर, ऊँचे नीचे रोड पर, किसी भी उल्टी सीधी जगह पर आप जाते हैं तो आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, आसानी से बाइक निकल जाती है ऐसे रोड्स पर।
ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि पीछे की तरफ आपको दिखाया जाए इसका टेल। ये देखिए, ये टेल लाइट है, तो LED टेल लाइट है, काफ़ी शानदार है। ये नंबर प्लेट हो गई, नंबर प्लेट के लिए हेलोजन लाइट दी गई है, और ये भी इस टाइम पे ऑन है। और ये है इसका रिफ्लेक्टर, जो कि ज़रूरी है गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से। और ये दोनों साइड LED इंडिकेटर जैसे कि फ्रंट में दिए हुए हैं। और अब इस साइड आ जाएंगे एक बार, तो देखिए ये है RBS की बैजिंग। RBS मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखिए, वैसे तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, बट मैं आपको बता दूँ ये नॉमिनल सा ही है, कुछ खास इसका यूज़ है नहीं। क्या यूज है, कैसे यूज होता है, मैं एक अलग वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में। ये इसका साड़ी गार्ड है, काफ़ी अच्छा है। मतलब औरतें एक साइड जब पैर करके बैठती हैं तो ये सेफ रखता है। और ये पिलियन के लिए फुट रेस्ट, ये राइडर के लिए फुट रेस्ट इस साइड भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लॉक का आपको बटन दिया गया है, इससे मैनुअली बूट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे की लगा करके मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे की लगती है। तो चलिए बूट भी इसका एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये लगाई चाबी, राइट साइड घुमाई और ये प्रेस किया ऊपर से, तो ये खुल गया। ये देखिए, छोटा सा बूट स्पेस है, मेडिकल किट है और ये टूल्स है कुछ। इसको यहाँ से हटाऊँगा तो देखिए नीचे लगी है बैटरी, ये बैटरी है। और ये जो है ये इसका प्लग लगा हुआ है, यहाँ से चार्ज भी की जा सकती है, तो इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके हैंडल्स पे और इसके मीटर्स पे। तो सबसे पहले मैं इधर हैंडल के साइड में दिखाऊंगा, ये पुश बटन देखिए, इससे बाइक ऑन होती है, ऑफ भी होती है। और इससे अगर एक बार ऑफ कर दिया आपने तो उसके बाद आपको रिमोट से पहले अनलॉक करना पड़ेगा, तब जा कर के ही ये ऑन होगी आपकी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस वाले राइट साइड से। तो देखिए, सबसे पहले स्पीकर का ये बटन दिया हुआ है आपको, तो इसको दबाएंगे तो जो मैंने बताया रेडीमेड स्पीकर दिया हुआ है वो ऑन हो जाएगा। देखिए आवाज़, स्पीकर दिखाइए, ये देखिए यहाँ से आपको इसका साउंड आएगा, ठीक है। तो ये एक रेडीमेड सा साउंड दिया हुआ है, मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। और ये देखिए, ये मोड है, ये फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, और एक टी लिखा हुआ है। ये टी मोड देखने में आपको लगेगा कि कोई टर्बो मोड है, बट असल में ये टर्बो मोड नहीं है, इसका कुछ यूज़ नहीं है। ये भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, और स्पेशल अगर आप लोग बोलेंगे तो एक और वीडियो में आपको बना करके इसके बारे में स्पेशल दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच के बारे में मैं दोस्तों बता दूं कि ये आपको हमेशा, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तो आपको हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए, खास करके चार्जिंग के समय। और आप ड्राइव करके जब घर जाते हो तो पार्किंग आप जब करते हो तो उस समय भी इसको ऑफ रखें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है, खास करके चार्जिंग के समय, तो ये ध्यान ही रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इस साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ ये हॉर्न दिया हुआ है। देखिए, मैं बजा करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो डिसेंट सा साउंड है, मतलब बहुत तेज़ हॉर्न नहीं है, ना ही बहुत ही लो है, और एक डिसेंट साउंड ये देता है। और दोनों तरफ इंडिकेटर, ये देखिए, ये आपका लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट जो भी है। और ये है आपका लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम, ठीक है। उसके लिए एक बार मैं चाहूँगा अनुज भाई, हेडलाइट आप दिखाएं इसकी। मैं देखिए, ये लो बीम पर है इस टाइम, और ये देखिए हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम। तो इस तरह से कुछ इसकी हेडलाइट है। और मैं दूसरी चीज़ आपको अब इसके बाद जो दिखाना चाहता हूँ वो है इसका मीटर। तो मीटर पर फोकस करें अगर, तो देखिए अभी थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, लेकिन मैं इसके लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए, इसकी लाइट आपको दिख रही होगी। ये देखिए, ये जो बैटरी, ये बैटरी परसेंटेज यहाँ पे नज़र आती है, 59% अभी बैटरी हमारी है। और इसके साथ ये देखिए इको मोड, यहीं पे मोड चेंज होता है, हमें पता लगता है फर्स्ट मोड है, सेकेंड मोड है, थर्ड मोड है। और यहाँ पर हमें यहाँ पे हमें पता लगता है कितनी स्पीड पर बाइक चल रही है, और ये कितने किलोमीटर चल चुकी है, यहाँ पे कितने किलोमीटर अभी चलनी बाकी है, कितने किलोमीटर चलनी बाकी है यहाँ पे दिखाता है रेंज। और यहाँ पे ट्रिप भी आ जाती है, यहीं पे RPM भी आ जाता है, वो देखने के ऊपर है। और एक चीज़ इसमें जो दी हुई है वो है बाइक की टेम्परेचर इस टाइम पर क्या है। इस टाइम जैसे जिस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है दिल्ली में, या इस जगह पर जहाँ पर मैं हूँ, और बाइक का टेम्परेचर दिखाता है इस जगह पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, और कुछ ये जैसे पार्किंग और हेडलाइट का ये सब चीज़ आपको दी हुई है, पता लग जाता है आपको कि हाँ ये हेडलाइट ऑन है क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस बाइक में हैं जो इस बाइक को खास बनाई थी। अच्छा, एक चीज़ मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें देखिए
ये मोटर है, ये है मिड ड्राइव मोटर। कुछ जो ई व्हीकल्स होते हैं, खास करके टू व्हीलर्स की अगर हम बात करें, तो उनमें BLDC हब मोटर होती है जो कि पीछे की साइड टायर पर लगी होती है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। लेकिन ये BLDC हब मोटर नहीं है, ये मिड ड्राइव मोटर है और ये बेल्ट के थ्रू टायर से कनेक्ट होती है। ये देखिए बेल्ट है ये इसकी, और तब जा करके ये अच्छी परफॉर्म कर पाती है। मिड ड्राइव मोटर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है अगर हम बात करें एक बेल्ट ड्राइव मोटर, सॉरी BLDC मोटर की, तो उसके मुकाबले। तो रुको, तो ये देखिए, अच्छा बेल्ट की मैं एक बार बात बता दूं आपको कि जो पुरानी बाइक थी अपडेट होने से पहले, उसमें जो कंपनी बेल्ट दिया करती थी वो इतनी चौड़ी बेल्ट थी, मात्र छोटी सी बेल्ट थी, और वो टूट जाया करती थी, तो लोग काफ़ी कंप्लेंट किया करते थे उसकी। तो कंपनी ने अपडेट किया, और अपडेट करके मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए कितनी मोटी, कितनी चौड़ी बेल्ट बना दी है। ये देखिए, तो अब इतनी ज़्यादा कंप्लेंट इस बेल्ट की नहीं है, काफ़ी चौड़ी बेल्ट कंपनी ने बना दी है, तो अच्छी खासी ये बेल्ट है। उसके बाद मैं चाहूँगा अनुज भाई, देखिए मैंने इसमें कुछ अपडेट्स भी कराए हैं बाहर से, मैंने क्या क्या लगवाया मैं एक चीज़ वो भी बता देता हूँ आपको। मैंने देखिए ये बाहर से लगवाया है, और ये लगवाया मैंने 600 रुपये में करोल बाग से। एक मैंने जो सीट है अपनी ये मॉडिफाई कराई है, क्योंकि कंपनी जो सीट देती है वो बहुत ही वाहियात, ऐसा लगता है कि आप किसी लोहे की सीट पर बैठे हो, तो बहुत ही वाहियात सीट होती है, तो उसमें मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी बैठने में। लेकिन ये अमेजिंग सीट है, काफ़ी बढ़िया सीट मैंने मॉडिफाई कराई है, ये मैंने गाज़ियाबाद से कराई है, और किसी वीडियो में ज़रूर आपको मैं उस जगह लेकर के चलूँगा जहाँ से मैंने मॉडिफाई कराई है। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से अपनी कोई भी बाइक की सीट मॉडिफाई करा सकते हैं। तीसरा मैंने इसमें कराई है लेमिनेशन, पूरी बाइक पर लेमिनेट मैंने करा रखा है, ठीक है, और देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी लेमिनेशन है, कहीं कहीं से अभी ख़राब होने लगी है। और ये देखिए थोड़े से मैंने जल्दबाजी में लोकल से ये कवर लगवा लिया, क्योंकि जो इसका ये ग्रिप थी ना दोनों साइड, ये पेन कर देती थी हाथ में, क्योंकि चौड़ाई इनकी कम थी, अभी अच्छी खासी चौड़ाई हो गई है, तो काफ़ी अच्छा है अभी, ठीक है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी किस तरह की जानकारी और चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो जानकारी दी जाए, और इस बाइक से जुड़ी भी आपको किस तरह की जानकारी चाहिए मैं वो भी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।